नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जानकारी कुछ हटके पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई10 मीडिया नेटवर्क के नए चैनल इशारा टीवी के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इशारा टीवी हमारे लिए लगभग 4 से 5 महीने पहले लॉन्च टीवी की तरफ से जो कहा गया था कि वो डीडी फिश नहीं ज्वाइन करेगा और पेड चैनल के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। और ये चैनल जो है अपने काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल जो है लाया था और इस पर जो है एपिक चैनल के भी जो है सीरियल दिखाए जाते थे, लेकिन जो है इशारा टीवी अब डीडी फिश पर आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इशारा टीवी पर आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव हो सकता है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको डीडी फ्री डीटीएस सीरियल संबंधित सारी अपडेट, फ्री से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें जानकारी कुछ हटके चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को करें लाइक अपने दोस्तों के साथ। की बात करें तो ये अच्छे अच्छे सीरियल जरूर लाया था, लेकिन इसने जो है डीडी फिश को नहीं ज्वाइन किया था और पेड चैनल के रूप में रहना पसंद किया था। लेकिन पेड पर काफी ज्यादा अच्छे चैनल पहले से ही स्टार प्लस, सोनी कलर्स और जी टीवी जैसे चैनल है, तो उनके आगे ये चैनल कहाँ टिक पाता। बाकी इसके सीरियल अच्छे अच्छे थे, लेकिन जब इसको टीआरपी नहीं मिली, आपको हम बता दें इसको एड भी मिलना बंद हो गए थे, एड जहाँ तक है उम्मीद इसको मिले ही नहीं थे। और आप लोग देख सकते हैं कि इशारा को अब डीडी फिश पर आना पड़ा। हालांकि इसके सीरियल काफ़ी अच्छे हैं, अब डीडी फिश पर ये आ गया है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इशारा चैनल को अभी भी कोई एड ब्रेक नहीं मिला है। जब भी कोई सीरियल चलता है और अन्य चैनल पर आप लोग देखते होते सीरियल चलता है, उसके बाद जो सीरियल पर ब्रेक आता है उसमें एक वो चैनल अपने खुद के सीरियल्स का प्रोमो दिखाता है, उसके बाद ऐड आते हैं जो कि किसी ना किसी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इशारा पर अभी ऐसा कोई ऐड नहीं आता है, क्योंकि इशारा को अभी ऐड नहीं मिला है, इसकी टीआरपी बिल्कुल ही नहीं है। और इशारा जब भी कोई सीरियल दिखाता है उस ब्रेक के दौरान अपने सीरियल्स के प्रोमो ही चलाता रहता है। और ये डीडी फिश पर आए हुए इसको अब 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और आपको बताते हैं कि ये अब अगर डीडी फिश पर अच्छी टीआरपी इसको मिलने लगेगी तो आने वाले दिनों में इसको कुछ ऐड मिल जाएंगे, तो इस पर भी ऐड आने लगेंगे। आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं जब इस पर ऐड आने लगेंगे, बाकी अभी तो इसको ऐड नहीं मिलेंगे। बाकी इशारा पर सीरियल्स अच्छे अच्छे हैं, इस पर हमें सबसे ज़्यादा अच्छा सीरियल अभी लग रहा है पाप नाशनी गंगा, जो कि हम देखते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि इशारा का सीरियल आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, और आप लोग इशारा टीवी देखते हैं या नहीं, उस पर कौन सा सीरियल देखते हैं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।